आम आवाम की अगर बात की जाए, वो आवाम जो रोजाना सड़कों पर होती है, वो आवाम जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनको सेहत के लिए सहूलियात मैसर हैं या नहीं है, अगर उनकी हम बात करें तो 2013 से लेकर 2017 तक कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, 2013 के अंदर आटा 320 रुपए था, आज 377 रुपए है। मुर्गी का गोश्त 176 रुपए था 2013 में, आज 168 रुपए है, 8 रुपए इसके अंदर कमी आ गई है। दीगर भी खाने पीने की अशिया अगर हम देखें तो या तो लगभग वो वही खड़ी हैं, या 2-4-5 रुपए ऊपर हुए हैं या नीचे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ और अगर स्टैटिस्टिक्स की हम अगर बात करें तो खते गुर्बत से नीचे आबादी 2013 के अंदर 21.4 बताई जाती थी और 2017 के अंदर 12.4, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 8.64% इसमें कमी आ गई है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है और वो ये है कि पहले इसाकदार साहब जो थे वो $2 रोजाना के हिसाब से जो शख्स जिसकी इनकम होती थी उसके नीचे कमाने वाले को कहा जाता था कि सतह गुर्बत से वो नीचे है, लेकिन उसके बाद इस फिगर को चेंज कर दिया गया और $1.25 से कम कमाने वाले को ये कहा गया कि ये सतह गुर्बत से नीचे, तो इस वजह से इसकी वैल्यू भी कम होगी। कुछ मजीद स्टैटिस्टिक भी, बेरोजगारी के तनासुब की बात करें, 2013 के अंदर 5.8 था, अब 6% हो गया है, यानी कि 0.2% इसके अंदर भी इंक्रीज हो गया है। लोड शेडिंग का मसला आपके सामने ही है। लोड शेडिंग के हवाले से जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि 22,797 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। मुस्लिम लीग की हुकूमत ये कहती है कि 2018 तक जब इंतखाबात होंगे तब तक लोड शेडिंग का मसला पाकिस्तान से खत्म हो चुका हो।